बात करेंगे यहाँ सिर्फ सोयाबीन की। तो सोयाबीन में हमने देखा है कि जो कीमतें हैं 1700 से पहले 1650 पर गई, अब 1650 से सीधे 1500 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि ओवरऑल रुझान तो सोयाबीन में तेज़ी वाला ही है, लेकिन अमेरिका से कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार है वो टूटता नज़र आया है, वो भी आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल अमेरिकन USDA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है वो इस बार रिकॉर्ड रकबा देखने को मिल सकता है। इस बार अमेरिका सोयाबीन की रिकॉर्ड बुआई कर सकता है, जिसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार है वो टूटता नज़र आया है। चीन भी अमेरिका से ही लगातार इंपोर्ट कर रहा है, चीन में सोयाबीन की ज़्यादा डिमांड है जिसकी वजह से बाज़ार टूटा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सोयाबीन में लगातार तेज़ी का ही रुझान है, कुल ओवरऑल ट्रेंड सोयाबीन का पॉजिटिव ही है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पहले सूखे के चलते सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से ब्राज़ील और सोयाबीन में उत्पादन अनुमान सोयाबीन का कम किया गया। अब खबर निकल के सामने आई है कि अर्जेंटीना में अब स्प्रिंग सीज़न आ गया है, यानी कि बसंत ऋतु आ गई है, जिसकी वजह से अब आगे जो धीरे धीरे ठंड पड़ेगी उसकी वजह से सोयाबीन को नुकसान पहुँच सकता है। और कुछ कृषि एजेंसियों ने जो अर्जेंटीना की है उन्होंने अर्जेंटीना के उत्पादन अनुमान में फिर से कटौती कर दी है, तो इसकी वजह से आगे जो सप्लाई है सोयाबीन की वो थोड़ी ग्लोबली टाइट रह सकती है। तो कुल मिलाकर रुझान सोयाबीन में तेज़ी वाला ही रहेगा। ये बस अमेरिका में जो सेंटीमेंट बना है हाई रिकॉर्ड रकबे का, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी टूटती नज़र आई है। कुल मिलाकर तेल तिलहनों में तेज़ी वाला ही रुझान है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।